हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं सूरज सिंह, प्राउड फाउंडर ऑफ Onpassive.com। कल का वेबिनार फ्रेंड्स बहुत ही काफ़ी पावरफुल वेबिनार था। केडी शुक्ला सर का प्रेजेंटेशन हमेशा हमेशा फ्रेंड्स पावरफुल होता है। उनका हर एक वर्ड, हर एक शब्द पूरे रोम रोम को मोटिवेशन और एजुकेशन से भर देता है। फ्रेंड्स उनका एक एक आवाज़ इतना ज़बरदस्त होता है कि एक इंसान को सुनने के बाद उसको मजबूर हो जाना पड़ता है कि Onpassive क्या है, उसको समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है फ्रेंड्स, राइट। उनका वेबिनार देखने के बाद अगर Onpassive किसी को ना समझ में आए तो समझ लीजिए कोई भी वेबिनार अटेंड करने के बाद नहीं समझ पाएगा। अगर आप केडी सुला सर का, दिनेश कुटियन सर का प्रेजेंटेशन आप देखते हैं, अटेंड करते हैं वेबिनार, तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ वेबिनार ज़रूर देखा कीजिए। आपके पास कोई भी निगेटिव पॉइंट अगर आता है तो ऑटोमेटिक वेबिनार अटेंड करने के बाद ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएगा फ्रेंड्स। और कल के वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट में हमें मतलब वहाँ से सुनने को मिला, और ये हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बात करने वाले हैं, यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। यूनिकॉर्न कंपनी, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, कितना टाइम लगता है लोगों को बनने में, मार्केट में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चली उनको कितना टाइम लगा बनने में, और हमारे Onpassive को कितना टाइम लगने वाला बनने में। फ्रेंड्स यूनिकॉर्न कंपनी यानी कि सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स किसी की वैल्यू को, किसी भी कंपनी की वैल्यू को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फ्रेंड्स, राइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आते रहते हैं फ्रेंड्स, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनी किससे कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक ऐसा स्टार्टअप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलिन ली 2013 में इन्होंने बताया था, जो फाउंडर हैं काउबे वेंचर्स के, राइट। इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग जो एक ऐसा स्टार्टअप जो पहले 10 सालों में ही, एक ऐसा स्टार्टअप जो पहले 10 सालों में ही $1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट करता है, $1 बिलियन की वैल्यू मतलब 8,000 करोड़ की वैल्यू अगर वो क्रिएट करता है लॉन्च के 10 सालों में, राइट, तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है फ्रेंड्स, राइट। एंड सेकंड बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज सुपर यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहा जाता है। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी एक ऐसा स्टार्टअप होता है फ्रेंड्स जो लॉन्च के पहले 10 साल में ही $100 बिलियन यानी कि 800,000 करोड़ की वैल्यू जो क्रिएट करता है लॉन्च के पहले 10 साल में, उसे सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज के टाइम में यानी कि जिन्होंने 10 साल के अंदर $100 बिलियन की जो वैल्यू है वो क्रिएट किया, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी, वो है फेसबुक। फेसबुक के अलावा कोई भी कंपनी लॉन्च के पहले 10 साल में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई फ्रेंड्स, राइट। फेसबुक मात्र एक ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्च के पहले 10 सालों के अंदर ही, लॉन्च के पहले 10 सालों के अंदर ही 800,000 करोड़ की वैल्यू क्रिएट की है फ्रेंड्स, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वैल्यू क्रिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता, आज तक केवल फेसबुक ही कर पाई है फ्रेंड्स, राइट। एलन ली का कहना है फ्रेंड्स कि 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा हासिल कर पाते हैं फ्रेंड्स, एंड सुपर यूनिकॉर्न कंपनी तो केवल फेसबुक ही मात्र ऐसी कंपनी जो यहां तक पहुंच पाई है फ्रेंड्स, राइट। और Onpassive के बारे में जो बड़े बड़े इंटरनेट के जो धुरंधर, ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेट के जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो टीचर्स हैं, स्पीकर्स हैं, वो हमारे बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि Onpassive लॉन्च के पहले ही साल में यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली है, लॉन्च के पहले ही साल में यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली है, एंड तीन चार सालों के अंदर सुपर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली फ्रेंड्स। और हमें गर्व है, हम सभी को गर्व है कि हम यूनिकॉर्न सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर हैं, बहुत ही गर्व फील होता है फ्रेंड्स ये शब्द बोलते हुए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि जो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रही हैं ऑलरेडी, उनको $1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट करने में कितना टाइम लगा, यानी कि 8,000 करोड़ की वैल्यू क्रिएट करने में कितना टाइम लगा फ्रेंड्स, राइट, वो हम आपको बताने वाले हैं। और एंटेल एक कंपनी है जिसको $1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट करने में 16 साल लग गए, ड्रॉप बॉक्स को लगभग 10 साल लग गए, नेटफ्लिक्स को 10 साल लग गए, IBM को 8 साल लग गए, एप्पल को 8 साल लग गए, फेसबुक को 6 साल लग गए, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लग गए, गूगल को 5 साल लग गए $1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट करने में फ्रेंड्स, लॉन्च के इतने टाइम में, राइट। तो यहाँ तक गूगल जैसी कंपनी को भी 5 साल लग गए यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा हासिल करने में, यानी कि
$1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट करने में फ्रेंड्स, यानी कि 8,000 करोड़ की वैल्यू क्रिएट करने के लिए गूगल माइक्रोसॉफ्ट को भी 5 साल लग गए, फेसबुक को भी 6 साल लग गए, राइट। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स। और ऑन पैसिव के बारे में ये बड़े बड़े धुरंधर का कहना, बड़े बड़े इंटरनेट मार्केटर हमारे बारे में प्रेडिक्शन करते हैं लॉन्च के पहले ही साल में यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा हासिल करने वाली है, जबकि गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक को 5-5, 6-6 साल लग गए वो चीज़ करने में फ्रेंड्स। हमें गर्व फील होता है फ्रेंड्स कि हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर हैं और आने वाले 3-4 सालों के अंदर हमारी क्या वैल्यू क्रिएट करने वाली है, क्या वैल्यू क्रिएट होने वाली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड को साथ शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। तब शुरू से एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।